नवी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई, जहां नेरुल इलाके में कल देर रात गैंगस्टर चिराग लोके और उसकी पत्नी पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला करने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हमले में चिराग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र राज्य में ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या का दौर जारी हो गया। दो महीने पहले गैंगस्टर शरद मोहेल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले बोरीवली में पूर्व नगर सेवक अभिषेक घुसालकर की हत्या कर दी गई। इसके बाद अब नई घटना मुंबई के नेरुल सेक्टर 20 में सामने आई, जहां गैंगस्टर चिराग लोके की हत्या कर दी गई। लोके नेरुल में रहता था, उसके घर के पास ही चिराग लोके और उसकी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला की गई। इस हमले में चिराग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। नेरुल पुलिस ने बताया कि चिराग लोके की पत्नी को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर चिराग के पुणे में गवली गिरोह और शरद मोहेल से संबंध था। चिराग को भी नई मुंबई पुलिस ने मौका के तहत गिरफ्तार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवयुग शक्ति न्यूज। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।